नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है लिमिट का। लिमिट जिस ढंग से पढ़ाई थी उसको यूज करिए। पहले तो देखिए, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो वन माइनस कॉस क्यूब फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे जीरो रख दें तो वन माइनस वन जीरो होता है। जीरो बाई जीरो के फॉर्म है, यूज एल हॉस्पिटल रूल। वन का जीरो, टी क्यूब का थ्री टी स्क्वायर फोर एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन फोर एक्स इंटू फोर एक्स का फोर अपॉन टू एक्स। अगर मैं देखूं तो एक्सटेंस टू जीरो अभी भी रखूं, ये सब मैं लिखता नहीं हूं, वो बचाना है, तो अभी भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म है। देन अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल पर, यहां से टाइम लगेगा। देन आपको जो टेक्निक्स बताई थी वो यूज करो। साइन एक्स कितना होगा, ए एक्स एक्सटेंस टू जीरो पे, तो देखिए थ्री कॉस जीरो वन, ये स्क्वायर है कॉस जीरो वन, यहां पर फोर एक्स, यहां पर फोर अपॉन टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, यह आ गया ट्वेंटी फोर। ट्वेंटी फोर इज अ राइट आंसर, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, डोमेन पूछी है किसकी, लॉग बेस एक्स टेन की। एक चीज याद रखिए, लॉग का बेस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू वन। अगर लॉग एक्स होता तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, अपॉन में है तो नॉट इक्वल टू वन, यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्सक्लूडिंग एक्स इक्वल टू वन लिखा हुआ। ये वही जो बेसिक डेफिनेशन है उसी पे बेस क्वेश्चन है, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस टेन वन प्लस एक्स, देन वॉट इज फोर टाइम्स ऑफ एफ फोर प्लस फाइव टाइम्स ऑफ एफ वन माइनस लॉग बेस टेन टू। क्वेश्चन सिंपल है, यहां पर फोर लॉग बेस टेन, फोर रखेंगे तो फाइव, फाइव लॉग बेस टेन टू माइनस लॉग बेस टेन टू। आप देखिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो फोर, फोर बाहर आ गया, तो एक तरह से लॉग बेस टेन फाइव, लॉग बेस टेन टू, लॉग एम एन लग गया तो लॉग बेस टेन टेन, और ये हो गया वन, तो बचा फोर, क्योंकि लॉग बेस ए ए कितना होता है, वन, राइट। पहली स्टेप में करने वाले क्वेश्चन थे, पर मैंने आपको बोला कई बार ऐसे छूट जाते हैं, पर अगर सिंपल टू टफ चलोगे तो आपको बाद में सेकंड राउंड में सिंपल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे, और यही सबसे अच्छी टेक्निक होती है, रोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 44 सेंटीमीटर का है, ओके, तो रेडियस 22 हो जाएगा। अब बोला क्या, सुनिएगा, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर। एक कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 22, यानी ये रेडियस के इक्वल ही हो गई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार। अब माइनर आर्क ये होगा, याद रखिएगा, ये माइनर आर्क है और ये पूरा जो है इसका मेजर आर्क है। ये कितना होगा, अब ये 22 है, ये भी रेडियस 22, ये भी, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये 60 60 60, बस हो गया। थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये दिया है 60 यानी पाई बाई 3, आर्क पूछा है, आर्क आपको दिया है 22, यानी आपको जो पूछा गया है आर्क पूछा है, तो आर्क हो गया 22 इंटू पाई 22 बाय 7 इंटू 3 484 बाय 21 इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन लूप, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप बिटवीन द कर्व y इक्वल टू सी साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसका आर्क पूछा है, आपको पता है ये वन लूप हो गया पीरियड में, इसका टोटल एरिया होता है 4π, अब इसकी लेंथ हो गई सी, इसकी लेंथ सी, इतना मिलता है 1 1 1 1, तो ये सी 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 हो जाएगा, यानी 4c इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, कार्ड आर टेकन आउट विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट बोला, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द 14 कार्ड टेकन आउट इन एस। 14 कार्ड पर एस आए, विथ रिप्लेसमेंट है, जो निकाला अंदर रख दिया, हमें 14 से मतलब है 4 by 52, देन 1 by 13। मैंने बताया था इसको रिवर्स में सोचो कि 14 एस आ गया, उसके पहले 13 क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1 by 13 इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई वेयर वेयर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन का सीधा लॉजिक है, वाई क्या है, सी स्क्वायर बाय एक्स, वाई के प्लेस पे रख दीजिए, एफ इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एक्स। अब बस क्या मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, डिफ्रेंशिएट करिए, डी एफ बाय डी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 by x square, राइट,
अब आप बताइए मुझे, इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये ए स्क्वायर है, सॉरी, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो अपॉन, एक्स तो जीरो होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी सी अपॉन ए। अब आपको इसमें बोला है कि मिनिमम वैल्यू बताना है, वैसे रूल के हिसाब से तो इसको सेकंड डिफरेंशिएट करना चाहिए, और जब आप सेकंड डिफरेंशिएट करते हैं तो इस जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यानी पॉजिटिव वाला जब लेंगे तो मिनिमम मिलेगा और निगेटिव लेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। आपको मिनिमम पूछा है तो एक्स की वैल्यू हो गई बी सी अपॉन ए, वो रख दीजिए यहां पर, तो वाई की भी इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। देखिए वाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन बी सी अपॉन ए, एक सी कैंसिल तो ए सी अपॉन बी हो गए। अब इसमें रखिए तो ए स्क्वायर इंटू बी सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन बी, यानी टू ए बी सी इज अ, टू ए बी सी इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ आइदर इवेंट ए और बी। आइदर इवेंट ए और बी मतलब ए यूनियन बी, सीधा यही इसका आंसर होगा, यही पूछा है आपसे, यही बताना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए जरा क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन अ सर्कल इज क्लोजर टू द सेंटर देन टू द सर्कमफ्रेंस। मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। सपोज ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस आर है। अब ये एक और सर्कल ले लें, अब आपसे बोला क्या समझिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन अ सर्कल क्लोजर टू द सेंटर, मतलब सेंटर के क्लोज जो पॉइंट हो उसकी बात कर रहे हैं, जो कि सर्कमफ्रेंस से कंपेयर टू दूर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको r बाय टू ले लूं तो इस r बाय टू के अंदर जो भी पॉइंट होंगे बेटा वो सब सर्कल के इसके क्लोजर होंगे कंपेयर टू सर्कमफ्रेंस। बस यही बोला है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बोली है, तो नीचे तो होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर होगा पाई आर बाय टू का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल तो वन बाय फोर इज अ राइट आंसर। राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। ये स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू, ये सही है। दूसरा, अर्थमेटिक मीन, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक याद रखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, तो स्टेटमेंट ओनली वन करेक्ट है, यानी वन ओनली इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।